न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पीलीभीत कलेक्ट्रेट परिसर में पीलीभीत बहेड़ी लोकसभा सीट से सांसद वरुण गांधी के प्रतिनिधि कमलकांत और अधिवक्ता एमआर मालिक ने वरुण गांधी के नाम का निर्वाचन आयोग से पर्चा लिया। वरुण गांधी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। सूत्र के मुताबिक भाजपा पार्टी से अभी घोषणा होनी बाकी है। लोकसभा चुनाव की जो है तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। पीलीभीत लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। पीलीभीत लोकसभा सीट पर जो है पहले चरण में मतदान होना, यानी कि 19 अप्रैल को यहां पर मतदान होना। भाई 20 मार्च यानी आज से जो है नामांकन प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। मैं आपको बता दें, नामांकन प्रक्रिया जो है 20 मार्च से शुरू होकर के 27 मार्च तक चलेगी। 29 और 30 को जो है नाम वापसी का दिन रखा गया है, नाम वापसी होगी। भाई हम बात करें पीलीभीत लोकसभा सीट की, तो पीलीभीत लोकसभा सीट में मौजूदा में भारतीय जनता पार्टी से वरुण गांधी यहाँ से जो है सांसद हैं। जिस तरीके से 19 अप्रैल को जो चुनाव मतदान होना है, वही देखा ये जा रहा है कि अभी तक जो है किसी पार्टी ने अभी अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतारा है, जबकि नामांकन प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। जोशीमठ नगर के मुख्य बाजार में दो छोरों पर दशकों पुराने ड्रेनेज सिस्टम, सिविल लाइन और पानी की निकासी से हो रहे लीकेज को अब सुधारने के लिए बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनों के जरिए खुदान करने के साथ बड़े बड़े पाइपों को बिछाने का काम चल रहा है और नालियों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। साथ ही सालों पुरानी भूमिगत पेयजल लाइनों में लिंकेज की समस्या और पानी के कनेक्शन में मकर जाल को हटाने में सभी पेयजल आपूर्ति वाले पाइप और कनेक्शन की जांच की जा रही है। भूमिगत फाइबर केबल लाइन को भी इस पाइप से ढकते हुए मुख्य पेयजल आपूर्ति लाइन को एक ही बड़ी पाइप से जोड़कर बाहर से जोड़ने के कवायदे युद्ध स्तर पर जारी है, ताकि आगे से लीकेज की समस्या ना रहे और जो भी पानी लीकेज होगा वो सीधा नालियों के सारे नीचे बहेगा, जमीन के अंदर नहीं रिसेगा और लीकेज में से हो रहे भूदशाव पर कुछ हद तक रोक लग सकेगी। लोकसभा निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी मांशु खुराना की उपस्थिति में पीजी कॉलेज और रायका गोपेश्वर में पीठासीन अधिकारी और प्रथम मतदान कर्मियों का प्रथम प्रशिक्षण शुरू हो गया है। मतदान कर्मियों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 2 पालियों में 1624 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें मतदान का सामान्य प्रशिक्षण और ईवीएम और वीवीपैट का व्यवहारिक प्रशिक्षण शामिल है। पहले दिन 400 कर्मियों को पीजी कॉलेज और 400 कर्मियों को रायका गोपेश्वर प्रशिक्षण दिया गया। संभल के आयतनगर थाना इलाके के गांव सीतापुरी निवासी महिपाल का 15 वर्षीय बेटा मोहित और 13 वर्षीय बेटी मनसा पशुओं के लिए चारा लेने के लिए जंगल गए थे। इसी बीच कहीं से मधुमक्खियों का झुंड आ गया और उन्होंने दोनों भाई बहन पर हमला कर दिया। इस दौरान मोहित तो जान बचाकर भाग गया, लेकिन मनसा नहीं भाग सके और मधुमक्खियों ने मनसा पर हमला कर दिया। सूचना के बाद पहुंचे परिजनों ने मनसा को मधुमक्खियों के चंगुल से छुड़ाया, निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। किशोरी के दम तोड़ने की सूचना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। झांसी रक्सा में पुनावली रोड पर रहने वाली लड़की के पिता लाल बहादुर झांसी में सदर में स्थित कैंट कार्यालय में कर्मचारी है। लाल बहादुर की लड़की साक्षी जो बीए की छात्रा है, आज वो जब कोचिंग के बाद घर पर आई और दोपहर में उसने घर पर जहर खा लिया। कुछ समय बाद उल्टी होने लगी, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां पर डॉक्टर ने लड़की को मृत घोषित कर दिया। इसकी जानकारी जब साक्षी के प्रेमी अंकुश को हुई तो उसने भी घर के अंदर खुदकुशी कर ली। बता दें कि मोहल्ला 28 में रहने वाले काशीराम प्रजापति का बेटा अंकुश का प्रेम प्रसंग पिछले कई सालों से साक्षी अरवार से चल रहा था। पौड़ी में भाजपा ने अनिल बलूनी के संबोधन का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस से त्यागपत्र देने वाले पूर्व जिला प्रत्यक्ष केशर सिंह नेगी, पौड़ी ब्लॉक प्रमुख दीपक खुशकाल सहित दर्जनों की संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इस दौरान अनिल बलूनी ने कहा कि वे सभी लोगों से अपील करते हैं कि उत्तराखंड और गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी उनके ऊपर छोड़ दें। उन्होंने कहा कि जो विकास 70 सालों से कांग्रेस में नहीं करा पाई, उस विकास को आने वाले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी धरातल पर करा के दिखाएगी। हमने तय किया है कि इस पूरे गढ़वाल में कोई नकारात्मकता की राजनीति, कोई नेगेटिव राजनीति नहीं करेंगे, केवल विकास की राजनीति करेंगे। आने वाले समय में एक घोषणा पत्र हम लोग लाएंगे, उसमें आपको पौड़ी के विकास के लिए पूरा कार्यक्रम देंगे। देखिए, कांग्रेस का जो भवन है वो जर्जर हो गया है और जर्जर होकर गिर चुका है। अब वहां कोई रहने के लिए तैयार नहीं है। जो भी लोग विकास की राजनीति में शामिल होना चाहते हैं, जो मोदी जी के मिशन में शामिल होना चाहते हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। और ये केवल उत्तराखंड और गढ़वाल में नहीं हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा हरिद्वार के बंधन पैलेस में पदाधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार के जिले के विधायक और पूर्व विधायक मौजूद रहे। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस संवाद कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ताओं का जोश देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर उनका जोश दोगुना हो गया। उन्हें उम्मीद है कि कार्यकर्ताओं का जोश ऐसे ही लगातार बना रहेगा। अब की बार 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, उसे पार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा को पूरा किया जाएगा।
कार्यकर्ताओं का उत्साह चारों तरफ देखने को मिल रहा है। आज अपने जो हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उन सबसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो जोश मेरा भी जोश दुगुना करेगा और कार्यकर्ताओं का जोश तो 10 गुना हो जाएगा, इसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की अधिसूचना जारी हो गई है। 27 मार्च तक प्रत्याशी नामांकन जमा कर सकेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नामांकन जमा कराने को लेकर मुख्यालय में सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। जगह जगह पर बैरिकेटिंग की गई है। इसके साथ ही पुलिस बल भी पूरी तरह से मुस्तैद है। जगह जगह पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। नामांकन के समय व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्ट्रेट में बैरिकेटिंग कराई गई। अंदर जाने वालों के गेट के बाहर मेटल डिटेक्टर से जाँच हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जनपद सहारनपुर में संसदीय क्षेत्र 01 सहारनपुर और आंशिक कैराना के निर्वाचन की अधिसूचना। बदायूं लोकसभा के 2 दिनी चुनावी दौरे पर संभल के गांव कल्हा पहुंचे। सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बदायूं में बॉर्डर पर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया। कहा कि बीजेपी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। वहीं चुनावी दौर के संबंध में उन्होंने कहा कि बदायूं सपा की बड़ी जीत होगी। वहीं सपा के बाकी प्रत्याशियों की घोषणा पर कहा कि जल्द ही बाकी प्रत्याशियों की घोषणा होगी। अभी बीजेपी प्रत्याशियों की भी घोषणा नहीं हुई है। देखिए पूरी तरीके से यहाँ पूरा जन समर्थन मिल रहा है और इस चुनाव में देखिए सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और बड़ी जीत होगी। गुन्नौर से होगी, बिसौली से होगी, सहसवान से होगी, बदायूं से होगी, 5 विधानसभा में समाजवादी पार्टी की जीत होगी। देखिए अधिकांश प्रत्याशी घोषित हो गए हैं और जो शेष बचे हैं वो भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। गाजीपुर में थाना मोहम्मदाबाद में प्रभारी निरीक्षक चेकिंग कर रहे थे, तभी पुलिस टीम ने वहां से गुजरने वाली एक मोटरसाइकिल रोकने की कोशिश की तो बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायर करते हुए भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने उनका पीछा किया। घेराबंदी की इस बीच पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी जिससे वो घायल हो गए। पुलिस ने उनके कब्जे से मोटरसाइकिल, 2 तमंचा, 8 पीली धातु के कंगन और 2800 रुपये नकद के साथ कई अन्य सामान बरामद किया। पुलिस ने घायल बदमाशों को प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। आज रात थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर में इंस्पेक्टर मोहम्मदाबाद तिवारीपुर मोड़ के पास चेकिंग कर रहे थे। उसी चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक आते दिखाई दिए। उनको रुकने का इशारा किया तो रुके नहीं, बल्कि रोकने की कोशिश करने पर पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए भागे। इनके द्वारा अपनी सेकंड मोबाइल को भी जो है सूचना दी गई। हाटा क्रॉसिंग के पास पीछे से ये और सामने से सेकंड मोबाइल आ रही थी। दोनों टीमों द्वारा घेर कर इनके रोकने की कोशिश की गई थी। जब इन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने के लिए से फायर किया, पुलिस ने भी आत्मरक्षा गोली चलाई जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 26,438 बताने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। वहीं वीरेंद्र कुमार ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार कानपुर नगर में दिव्यांगजनों की कुल संख्या 1,16,292 है। इसके बावजूद जिले में कुल 26,468 दिव्यांग मतदाता बताए जा रहे हैं जो दिव्यांगजनों को वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिश है। बहुत से दिव्यांगजन ऐसे हैं जो घर से जाकर अपना वोटर कार्ड नहीं बनवा सकते। बहुत से दिव्यांगजनों को वोट के अधिकार के बारे में पता ही नहीं है। तमाम दिग्गज ऐसे हैं जिनके वोटर कार्ड किसी न किसी तकनीकी कारण की वजह से नहीं बन सके। दिव्यांगजन का मतदान ना बन पाना जिला प्रशासन निर्वाचन आयोग की गलती है। वीरेंद्र कुमार ने जिलाधिकारी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र भेजकर अपनी आपत्ति दर्ज कराने का निर्णय लिया है। देखिए राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी को ये जानकारी मिली कि जिलाधिकारी कानपुर नगर महोदय ने जो दिव्यांग वोट मतदाता हैं उनकी संख्या 26,000 कुछ बताई। हमारा कहना है ये जो 26,000 की संख्या जो डीएम साहब बता रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, फाल्स है। क्योंकि 2011 की जनगणना में कानपुर नगर में 1,16,292 की संख्या बताई गई है और वो आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। रायबरेली में चुनावी बिगुल बजते ही पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। जिले में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई बढ़ने के साथ ही पुलिस ने प्रिवेंटिव एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसके तहत जिले में अब तक 50% लाइसेंसी असले जमा हो गए हैं, जबकि आचार संहिता लगने के बाद से 4 के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं आचार संहिता लगने के बाद से जिला बदर की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल के मुताबिक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस कटिबद्ध है, जिसके तहत लगातार निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं।
आगामी चुनाव को के दृष्टिगत पुलिस शांतिपूर्व व निष्पक्ष चुनाव करने के लिए कटिबद्ध है। हमारा यही प्रयास रहेगा कि चुनाव स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष और भयमुक्त हों। इसी के क्रम में पुलिस द्वारा कार्रवाई है वो प्रारंभ कर दी गई है। लगभग जनपद में 50% शस्त्र हैं वो जमा करा दिए गए हैं ताकि कोई भी डरा धमका करके किसी व्यक्ति को कोई कार्रवाई न कर सके। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा लगातार ही निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है, गुंडा गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। फरुखाबाद में राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा। कानून को सोवरन सिंह का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। ग्रामीण से खुलेआम कानून को का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। राजस्व विभाग में खलबली मच गई। वायरल वीडियो में कानून को ग्रामीण से रुपए का लेन देन करते दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन राजस्व विभाग में पहले भी दो कानून को रिश्वतखोरी में निलंबित हो चुके हैं। फरुखाबाद तहसील सदर क्षेत्र में तैनात है कानून को सोवरन सिंह। सपा छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार कासगंज पहुंचे पूर्व सांसद कुंवर देवेंद्र सिंह यादव। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ कासगंज पहुंचे पूर्व सांसद, भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार हंगामा स्वागत किया है और पूर्व सांसद के कासगंज पहुंचने पर बैंडबाजी की धुन पर समर्थकों ने जमकर डांस भी किया। पूर्व सांसद ने सपा पर हमला बोला, पहले नेताजी वाले नहीं समाजवादी पार्टी रही है, समाजवादी पार्टी में अब अवांछित लोगों का प्रवेश हो गया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तरकाशी में लगभग 300 किलोमीटर दूर जनपद मुख्यालय के अंतिम गांव भीतरी शक्ति केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच शक्ति केंद्र के माध्यम से टिहरी लोकसभा चुनाव के पुरौल विधानसभा प्रभारी लोकेंद्र सिंह बिष्ट में गांव पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर बैठक की और चुनाव का शुभारंभ किया। बैठक में शक्ति केंद्रों के प्रभारी, संयोजक, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। साथ ही बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं और हर एक मतदाता को प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके द्वारा दिए जा रहे ऐतिहासिक कार्यों की जानकारी दी। शक्ति केंद्रों में वंदे मातरम, मोदी धामी, रानी के कामों के साथ भारत माता के जयकारे लगाए गए। पुरौला विधानसभा प्रभारी लोकेंद्र सिंह बिष्ट ने 5 मंडलों के अलग अलग गाँव के शक्ति केंद्रों भीतरी दणगाना गांव, सरखाड़ी, पुरजेली, नौगवा, चंदेली, बर्नीगाड़ के शक्ति केंद्रों में बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ हर एक वोट को साथ कर बूथ को मजबूत करने के संदेश दिए। तो इस पुरौला विधानसभा में जो नेटवर्ड वाला इलाका है, ये जो अपना जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी है उससे करीबन 250 से 300 किलोमीटर दूर है। जो उधर भीतरी गाँव है, मसरी गाँव है, धोणी है, या आप सांगरी की तरफ चले जाओ दणगान गाँव है, सुनचाण गाँव है, तो इधर गजब का आकर्षण, खासकर जो बुजुर्ग महिलाएं हैं गांव में, जो महिलाएं हैं, जो युवा वर्ग है, मोदी के प्रति बड़ा आकर्षण है लोगों में। और हम लोग जब मोदी जी के कार्यक्रमों को लेके गांव में जा रहे हैं, मोदी जी ने जो देश के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं की हैं उनको बताने जा रहे हैं, तो लोगों को इसकी जानकारी हमसे ज़्यादा है और लोगों को इतना उत्साह है कि वो तीसरी बार मोदी जी को फिर से इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और बस उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होना है। आपको बता दें कि 20 मार्च से नामांकन पत्रों की बिक्री और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए नामांकन करने के लिए हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट न्यायालय कक्ष संख्या 356 कलेक्ट्रेट परिसर हरिद्वार में नामांकन किए जा रहे हैं। राज्य की 5 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हरिद्वार में नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू हुई, दोपहर 3 बजे तक करीब 25 नामांकन पत्रों की बिक्री हो चुकी है। वहीं अगर पौड़ी की हम बात करें तो पौड़ी में नव नियुक्त एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने पुलिस लाइन पौड़ी में अपनी पहली क्राइम बैठक ली। इस दौरान उनके द्वारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने अधीनस्थ अधिकारियों और पुलिस के जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसएसपी ने बताया कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव पर पुलिस का फोकस है। उन्होंने बताया कि पुलिस की पहली प्राथमिकता चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष संपन्न कराने की रहेगी। इसके साथ ही जनपद में बढ़ते हुए अपराधों और नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता में शुमार रहेगा। देखिए, चूँकि इलेक्शन के आसपास मैंने ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो लोकसभा इलेक्शन को बिना किसी कॉन्स्पिरेसी के, बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर के स्मूथली इलेक्शन करवाना एक प्रायोरिटी है। उसके उपरांत ज़िले में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हैं और जो अपराध की गतिविधियां बढ़ रही हैं उनको भी हम लोग कंटेन करेंगे। साथ ही साथ चूँकि पहाड़ों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो नशे को कैसे हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कैसे युवाओं को प्रेरित करते हुए उनको नशे से हम लोग उजागर कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। भाजपा के गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी ने रुद्रप्रयाग में रोड शो किया। इस दौरान जिले के विभिन्न गाँवों से भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ बलूनी का स्वागत किया। आपको बता दें कि रोड शो की पहल करने के बाद बलून दोपहर 3 बजे रुद्रप्रयाग पहुंचे। जिला मुख्यालय से पेट्रोल पंप तक उन्होंने रोड शो किया और जनता से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील भी की और 400 पार का नारा भी दिया।
रायबरेली में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के आयोजित कार्यकर्ता बैठक सम्मेलन पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन को लेकर समर्थन देने की बात कहते हुए नजर आए। आपको बता दें कि 20 मार्च 2024 दिन बुधवार को समय करीब 3 बजे रायबरेली जनपद के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रगति नगर स्थित एक निजी होटल में राष्ट्रीय संगठन समाज पार्टी के आयोजित कार्यक्रम कार्यकर्ता बैठक सम्मेलन में पहुंचे। और जिस तरीके से आज भाजपा सरकार ने देश के करोड़ों करोड़ों नौजवान को बेरोजगार बनाने का पाप किया है, महंगाई से आम जनता की कमर तोड़ दी है, GST और ED के माध्यम से छोटे लघु मध्यम व्यापारियों की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है, साथ ही साथ किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली सरकार आज तक लाभकारी तो मूल्य नहीं दिला पाई। अलबत्ते MSP की मांग के और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।